बहराइच के जरवल में भी एनआईए और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। बता दें पीएफआई से संलिप्तता के मामले में जरवल के ही रहने वाले कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच के जरवल इलाके में पहुंची एनआईए और एसटीएफ की टीम ने यहां रहने वाले कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। बता दें सुबह 4 बजे हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। टेरर फंडिंग और पीएफआई संलिप्तता के मामले में कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए और एसटीएफ की टीम ने काफी देर तक उसके घर की जांच की। इस दौरान कई दस्तावेजों को भी खंगाला गया। कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम ने सभी परिवार के सदस्यों का मोबाइल भी जब्त कर लिया था। और बता दें दस्तावेज को खंगालने के बाद मिले सबूतों के आधार पर एनआईए की टीम उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। मेरे शौहर बब्बू उर्फ कमरुद्दीन को आज सुबह 4 बजे जरवल रोड थाने पुलिस के साथ में एसटीएफ के भी कई लोग थे, 20-25 से ज़्यादा लोग थे। 4 बजे आए अचानक से, दरवाज़ा ज़ोर से खड़बड़ाया और मेरे शौहर को खींचा और पूरे घर की तलाशी ली। हाँ। और सारे हमारे मोबाइल को, हमारे शौहर के दोनों मोबाइल को, सारे मोबाइल को बगैर इजाज़त के उठा लिया। जब वो लोग पुलिस ले करके चले गए मेरे शौहर को, तो हम लोग जो है जरोड़ थाना गए।